Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे या फिर कह रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक के बारे में कुछ जानते हैं और क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो, पढ़ना जरूरी है, दो तीन कारण होते हैं। एक तो कारण है कि भाई अब सिलेबस में तो पढ़ना मजबूरी है, दूसरा कि हमको नौकरी लगना है, देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो जॉब लगने के लिए कहीं कोई भी एग्जाम दो, चाहे GATS का दो, चाहे स्टेट AEJEE का दो, या SSC का दो, या कोई भी अदर PSU वगैरह का कोई भी एग्जाम, तो आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए पढ़ना है। तो अब बात करते हैं जियोटेक या सॉइल मैकेनिक्स का खुद का वेटेज क्या है। जियोटेक या सॉइल मैकेनिक्स का खुद का वेटेज की बात करते हैं, फिर इम्पोर्टेंस पे जाएंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं गेट और ES वगैरह की, तो उसमें भी गेट और ES में लगभग 10-12% की बात करूंगा, गेट और ES में 10-12% के आसपास जियोटेक आती है। ठीक है, अब ES के लिए प्री की है, मेंस में तो लगभग 15% से पार हो जाता है। ठीक है, मेंस में लगभग 15% के आसपास आता है। फिर कोई भी SSC वगैरह हो, SSC या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, AEJEE का, ठीक है, उसके लिए लगभग 10-13 नंबर के आसपास की जियोटेक आती है, 10-13% मतलब। ठीक है, अब 10-13% टेक्निकल पोर्शन में से अगर कोई ये सब्जेक्ट ए का सब्जेक्ट आ रहा है तो इम्पोर्टेंस तो है। और SSC प्री में मैं ये बता रहा हूँ, मेंस में तो लगभग 20-25% तक भी गई है, कई बार मेंस में तो 20-25% भी आती है, तो इनकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है इस सब्जेक्ट का। अब जो सब्जेक्ट खुद इतना इम्पोर्टेंट हो, उस सब्जेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं या उसको तैयारी मन से ना करें, हम लोग सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई जियोटेक सरल है, हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि छोटी छोटी कई गलतियां हमसे हो जाती है और उस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ और मैं खुद भी कहता हूँ कि जियोटेक बहुत सरल सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, अब बेसिक्स क्लियर कौन करेगा, या तो आप खुद कहीं से पढ़ के तैयारी करो तब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, या फिर जैसे कहीं से कोचिंग वगैरह लो। तो जैसे मैं आप लोगों को एक सॉइल मैकेनिक्स में एक बात बोलता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाया हुआ सॉइल मैकेनिक्स आपने पूरा ध्यान से पढ़ा, तो गारंटी से चाहे गेट का पेपर हो, चाहे ES वगैरह का पेपर हो, चाहे कोई SSC AEJEE हो, यू विल स्कोर 100% बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब फिर भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 99.99% तो मेरी बात सत्य है। अब ये इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जियोटेक पढ़ाने का मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद जियोटेक में एमटेक हूँ, मायसेल्फ दंगा चौधरी, 6 साल से मैं जियोटेक पढ़ा रहा हूँ और आज तक मैं गारंटी से बोलता आया हूँ, और कई बच्चों के, जिन बच्चों ने सिर्फ मेरे से जियोटेक पढ़े हो, 100% स्कोर करके आए, चाहे कोई भी एग्जाम, और वो आके बोलते भी सर आपके नोट्स में से, आपके पढ़ाए में से कुछ भी बाहर नहीं आए, तो बाकी सब्जेक्ट में इतनी गारंटी फिर भी नहीं देता क्योंकि, लेकिन इसमें मेरे को 6 साल हो गए पढ़ाते। ठीक है, तो इसी 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस बताता हूँ, क्यों पढ़ना जरूरी है। अब एक नौकरी वाला तो चलो बेसिक नीड हो गई, रोटी कपड़ा मकान में से बेसिक नीड हो गई रोटी, अब मकान के लिए, मकान कहाँ बनाओगे आप, दूसरी जो बेसिक नीड है आपकी मकान, मकान बनाओगे कहाँ आप, मिट्टी पे ही बनाओगे, सॉइल पे बनाओगे। अब सॉइल पे बनाओगे या जमीन पे, पृथ्वी पे बनाओगे, तो सॉइल पे जब मकान बना रहे हो, मान लो उस सॉइल की सहन करने की क्षमता, मान लो उसको बाहर ढोने की क्षमता, मान लो 100 kN थी, लेकिन आपने अगर 150 kN या 101 kN भी उस पर बाहर लगा दिया, तो वो तो ढह जाएगा या फेल हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप 50 किलो वजन उठा सकते हो, अब अगर 50 किलो से ऊपर आपको 1 किलो भी ऊपर दिया जाएगा तो आप गिर जाओगे या दब जाओगे उसके नीचे, वही हश्र क्या होगा, किसका होगा, मिट्टी का, सॉइल का, ग्राउंड का। तो इस चीज से बचने के लिए, या ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इन सब चीजों की हम स्टडी करेंगे। मान लो कहीं स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस स्ट्रक्चर की सहन करने की क्षमता कितनी है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके मेथड्स कुछ पढ़ेंगे, उससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी मदद लेने के लिए पूछ लेते हैं, भाई साहब कि मेरे को यहाँ पे मकान बनाना है इस मिट्टी पे, ऐसे बता देगा प्लॉट, भाई ये है मकान, अपना प्लॉट यहाँ बनाना है, मकान 3 मंजिल का बना दूं, सहन कर लेगी जमीन, बन जाएगा, इतना नीचे धस तो नहीं जाएगा, सेटलमेंट तो नहीं हो जाएगा, तो वो चीजें कैसे पता लगेगी, वो सब हम लोग अलग अलग एरिया की स्टडी करते हैं तब। अब ये चीजें आती वैसे एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हेल्प तो मिलती है ना, तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक, दो अलग अलग नाम क्यों है। जब बात आती है सिर्फ सॉइल की,
तो अगर मैं सॉइल की बात करूं तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे इसमें भाई, ऐसा क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल के रेस्पेक्ट में. सॉइल का किसी और चीज से इंटरेक्शन वो नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ सॉइल का, सॉइल से ही इंटरेक्शन, सॉइल पार्टिकल का आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन पढ़ेंगे. लेकिन जैसे वर्ड आ गया मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे आगे फोर्स, अब जैसे ही फोर्स लगे और तो फोर्स के अगेंस्ट वो सॉइल कैसे रिएक्ट करेगी, इनकी स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वगैरह हो गया, उसकी खुद की स्ट्रेंथ कितनी, वो सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है. लेकिन इतने से अपना काम नहीं चलता. क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड है, ग्राउंड में पानी भी होगा, कुछ अदर फैक्टर्स भी काम करेंगे. तो अगर जैसी पानी की बात आ जाए, यानी कि पानी वगैरह फ्लो आ गया, तो हमको दो सब्जेक्ट हमने पढ़े, एनवायरमेंट या फ्लूइड मैकेनिक्स. तो एनवायरमेंट और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी रोल आ गया, तो वो रोल इसकी वजह से. तो जियोटेक का मतलब है कि केमिस्ट्री एंड मैकेनिक्स को पढ़ना, सॉइल की केमिस्ट्री और मैकेनिक्स को पढ़ना किसी भी कंडीशन में, ठीक है. स्टडी ऑफ मैकेनिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल, उसी को हम लोग बोलते हैं जियोटेक्निकल. यानी कि जब सारे सब्जेक्ट एक साथ इंक्लूड हो जाएं और सारे ही मिलके सॉइल के बारे में बात करें तो वो होता है जियोटेक. और सिर्फ अगर हम लोग सॉइल और सॉइल के बिहेवियर और उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं, फिजिकल फोर्सेस की बात करें, तो उसको बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स. तो सॉइल मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ जियोटेक एक्चुअली, ठीक है. अब जहां पे भी सॉइल मैकेनिक्स होता है वहां पे साथ में फाउंडेशन इंजीनियरिंग वगैरह भी जुड़ा हुआ होता है. तो क्यों? फाउंडेशन अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जियोटेक का नाम आते ही वो फाउंडेशन उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है. तो उसके बाद अब हम लोग कुछ कंटेंट देखते हैं. कंटेंट का मतलब क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है. तो सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया. सॉइल मैकेनिक्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉइल की स्टडी करते हैं, लेकिन अगर उसका पानी के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, उसमें से पानी बाहर कैसे होगा, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा, उस पानी की वजह से सॉइल के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं जियोटेक. तो कंटेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है. तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है. उसके बाद हम लोग जैसे बात करते हैं सीपेज एंड इट्स सीपेज परमेबिलिटी एंड एनालिसिस, सीपेज परमेबिलिटी एंड देयर एनालिसिस, ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेयर स्ट्रेंथ की. शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है सॉइल की? मोर सर्कल जो आप लोगों ने सोम में पढ़ा वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग जैसे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन की. क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जब लोड लग रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे हो रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की. उसके बाद हम लोग 9 नंबर पे पढ़ेंगे अपने स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन. अब फाउंडेशन दो तरह की होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन. फिर हम लोग बात करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपांसिव सॉइल्स. ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब इन सब में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो ये सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन,
इस अकेले का वेटेज पूरे सॉइल में 20-25% या 25-30% भी कह सकता हूँ। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है, प्रॉपर्टीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो इसका मतलब आपने सॉइल 25% के आसपास क्लियर कर लिए। अगर आपको मान लो सिलेक्शन बहुत अच्छे से आता है और ये नहीं आता है प्रॉपर्टीज, तो आपको ये भी नहीं आता है। आप अगर कहते हो मेरे को सिलेक्शन तो अच्छे से आता है लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल नहीं आता, तो आपको नहीं आता सिलेक्शन। आप बोलते हो कॉम्पैक्शन अच्छे से आता है लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं आता, तो नहीं आता आपको कॉम्पैक्शन भी। यानी कि बेसिक जो नीड है वो सॉइल मैकेनिक्स की जो रीढ़ की हड्डी है तो वो ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये सबसे जरूरी आपको पढ़ना है क्योंकि इन सब चीजों का यहाँ पे आगे यूज आएगा। और मैं आपको पढ़ाते वक्त भी पहले बता रहा हूँ, पर पढ़ाने से पहले बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है तो आपको ये अच्छे से करना है। और क्योंकि इन सारी चीजों का आगे यूज आएगा तो आपको फिर वहां कंफ्यूजन हो, वहां पे समझ में नहीं आए कि यार ये क्या हो गया, ये कहां से आ गई चीज, ये तो कभी सर ने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको पहले ये पढ़ना है बेसिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब इम्पोर्टेंट कौन सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीरी स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन भी अच्छा वेटेज रखता है, अर्थ प्रेशर भी अच्छा वेटेज रखता है। अब जो बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन वो पहले इसका वेटेज वगैरह कम था लेकिन आजकल SSC में इस पे न्यूमेरिकल भी आने लग गए हैं, छोटा न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना। कॉम्पैक्शन भी अच्छा खासा है लेकिन जो मेन है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, एरेशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल और बियरिंग कैपेसिटी एंड फाउंडेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्ड टॉपिक क्या अपना, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है, उसमें वॉल्यूम को रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज कॉम्पैक्शन। अब इसमें कॉम्पैक्शन में सिर्फ हम लोग किसको रिमूव करते हैं, एयर को, ठीक है। अब ये भी कॉम्पैक्शन, अब ये कंप्रेसिबिलिटी का ही एक हिस्सा है लेकिन साथ में लिखा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी रिडक्शन इन वॉल्यूम होता है लेकिन इसमें से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग वाटर को रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम लोग एयर को रिमूव करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब इसमें कॉम्पैक्शन और डायनेमिक लोडिंग लगती है, इनकी इंपैक्ट लोडिंग, यहाँ पर स्टैटिक लोडिंग लगती है, तो उसके अगेंस्ट सॉइल का कैसा बिहेवियर होगा वो सब पढ़ेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मतलब है कि सॉइल के पार्टिकल्स खुद कितना लोड ले रहे हैं, अगर पानी कम ज्यादा हो रहा है सॉइल में तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर बढ़ गई, नीचे चली गई, या पानी उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो वो सारी चीजों का कैसे होगा वो सब हम पढ़ेंगे। सीपेज क्या होगा, पानी सॉइल के अंदर से पानी निकल रहा है, पास हो रहा है। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अपने को सीधी से बताया, परमेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी मेम्ब्रेन अपने अंदर से लिक्विड को फ्लो करा रहे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, फ्लो करने की कैपेबिलिटी, फ्लो करने की एबिलिटी, या उसको परमिशन देना ही परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी और सीपेज में से पानी का, इसका मतलब है यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है। अब वो पानी का फ्लो होगा तब सॉइल पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, यहीं पे हम लोग अर्थन डैम का वो पढ़ेंगे, एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब अर्थन डैम क्या होता है कि कोई भी डैम, ऐसा डैम जो सिर्फ और सिर्फ लोकली अवेलेबल मटेरियल से बना हो, उसके लिए कोई स्पेशल से नए मटेरियल नहीं लेके आए दूर से कहीं से हम लोग, जैसे सीमेंट कॉन्क्रीट वगैरह नहीं बने। जैसे मान लो मुझे राजस्थान में कोई डैम बनाना, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, राजस्थान में डैम की जरूरत है नहीं, इतनी बारिश वगैरह होती नहीं, ना कोई नदियां, लेकिन फिर भी ठीक है, काफी वैसे बन चुके हैं। तो अगर डैम बनाना है तो मैं राजस्थान में, मान लो जोधपुर में डैम बनाना है, तो मैं जोधपुर में जब डैम बनाऊंगा तो उस डैम में अगर सारी चीजें मैंने जोधपुर की ही काम में ली तो उसी को मैं अर्थन डैम बोलूंगा, इनके लोकली अवेलेबल मटेरियल से। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। शियर स्ट्रेंथ क्या हो गया, वही आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है, टूट फूट। जैसे मान लो कोई ये सॉइल का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ से कोई लोड लग रहा है या यहाँ से कोई लोड लग रहा है या यहाँ से कोई भी तरह से लोड लग रहा है, मान लो इधर से, तो इस लोड के अगेंस्ट वो कैसे बिहेवियर शो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। लोड तो लगता ही रहता है, ठीक। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, ये कोई बिल्डिंग है और ये अपना ग्राउंड लेवल है। अब इस बिल्डिंग की वजह से जो लोड आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कि सीधा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इन द शेप ऑफ, इन द रेस्पेक्ट ऑफ शेप की बात कर रहा हूँ, मान लो सर्कुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, अपने स्क्वायर भी होता है, तो उन सब का अलग अलग तरह से बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इन सारे बिहेवियर को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इन सारे बिहेवियर को हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद देखते हैं स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस का मतलब, हम लोग जब भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो देखते हैं कि रोड जो बनी है, रोड के साइड में स्लोप है, या तो स्लोप के ऊपर रोड बनी है, या फिर जनरल देखें कभी ग्राउंड लेवल से ऊपर रोड बनानी है, तो हम लोग क्या बनाते हैं कि ऐसे एम्बैकमेंट बना दिया, कोई ऐसे एम्बैकमेंट बना दिया और यहाँ पर रोड चल गई, तो ये एम्बैकमेंट का स्लोप, ये जो है ये क्या हो गया स्लोप, ये स्लोप कैसा होना चाहिए, कितना इसका
थीटा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग इसके किसमें पढ़ेंगे, इसमें स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में। उसके बाद आता है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। अर्थ प्रेशर का क्या मतलब है, अभी तक हमने जितने भी अभी पढ़े उन सब में लगभग हमने वर्टिकल फोर्सेस की या वर्टिकल स्ट्रेस की बात करी, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो ये कोई वॉल है और यहाँ पर पीछे क्या भरी हुई, सॉइल भरी हुई। ये सॉइल क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगी इस वॉल पे, इसी वॉल को क्या बोलता हूँ मैं, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल इसलिए क्योंकि ये पीछे वाली सॉइल को रोक के रखी है। अब इस रिटेनिंग वॉल पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, क्या कैसे स्टेबल होगी, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जनरली ब्रिज वगैरह में या स्लोप स्टेबिलिटी जहां पे लगाते हैं वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सहन करने की क्षमता क्या होती है, सहन करने की क्षमता, किसी कोई भी सॉइल है वो लोड कितना बियर कर सकती है। और फाउंडेशन उस पर हम लोग नीम बनाते हैं कोई भी मकान की, अब नीम अच्छी है तो पूरा मकान स्टेबल है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक तरह से ये हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर बनने से पहले स्ट्रक्चर हवा में नहीं बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बनाना जमीन पे, जमीन पे बनाना तो जमीन की स्टडी करनी है, जमीन की स्टडी करनी है तो अपने को सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपांसिव सॉइल। अभी तक हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज की बात करी, वो सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये सॉइल एक्सप्लोरेशन को ही वही तरीका है। सॉइल एक्सप्लोरेशन में मतलब सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना। अब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमको दो तरह के जनरली सैंपल मिलता है, एक मिलता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और एक मिलता है अनडिस्टर्ब सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब है कि हम लोग उस पर टेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन सारे टेस्ट उस पर नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अनडिस्टर्ब सैंपल का क्या मतलब है, जैसे ये कोई सॉइल का स्ट्रक्चर, अगर इस सॉइल का स्ट्रक्चर ऐसा है एक के ऊपर जस्ट ऊपर एक है और इसको जब मैंने बाहर निकाला, अभी ग्राउंड में है तब ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे ही मैंने इसको मान लो बाहर निकाला तो इसका स्ट्रक्चर मान लो ऐसा हो गया कुछ, ये अभी तो ऊपर था या ना गया बीच में, तो ये क्या हो गया, सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये है डिस्टर्ब। ये क्या है, डिस्टर्ब, ये इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये ऐसा के ऐसा रह जाए, ऐसा था ग्राउंड में बाहर निकालने पर भी ऐसा ही है, तो उसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। तो अनडिस्टर्ब सैंपल पे तो सारे टेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब या रिप्रेजेंटेटिव पे भी कुछ सैंपल टेस्ट कर सकते हैं और ऐसा कुछ टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई हो जिसपे हम लोग कोई टेस्ट ना कर पाए तो उसको बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सॉइल हमने बाहर निकाली और उसपे उसका इतना ज्यादा स्ट्रक्चर खराब हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई कि हम लोग उसपे टेस्ट कर ही नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और इसके बाद एक्सपांसिव सॉइल, कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनको पानी के कॉन्टेक्ट में आने पर फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और पानी कम होने पर श्रिंक हो जाती है, तो वो वाली सॉइल की प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने बात कर रही ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल कैसे बनी, सॉइल मैकेनिक्स का किसने वो नाम दिया, क्या था, वो सारी चीजें हम अभी बात करते हैं। तो भाई साहब कहते हैं ना कि न्यूटन तो चला गया लेकिन समस्या पीछे छोड़ गया, अपन अपने लिए क्या समस्या छोड़ गया कि आप पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है, ठीक है। तो वही न्यूटन अपने सॉइल में, न्यूटन कौन है, सॉइल में भाई साहब थे कार्ल टेर्ज़ागी। कौन थे, कार्ल टेर्ज़ागी, ये अपने सॉइल के न्यूटन है। न्यूटन कहने का मतलब है कि जो सॉइल मैकेनिक्स की पहली किताब लिखी वो इन्होंने लिखी और उस किताब का नाम था अर्ड बाउ मैकेनिक्स, ठीक है, अर्ड बाउ मैकेनिक्स। अर्ड बाउ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉइल, ठीक है, ठीक है। इन्होंने लिखी पहली किताब सॉइल मैकेनिक्स, इन्होंने ही सारी थ्योरी दी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी चीजें होती है, जितने नाम अभी मैंने लिखे हैं वो सब किसने बताया, अर्ड बाउ ने, ठीक। उनमें कुछ चीजें चेंज होती गई, वो नए नए साइंटिस्ट आते हैं, वो हम अभी आगे बात कर लेंगे। तो इसी व्यक्ति को, जैसे कंप्यूटर का पिताजी कौन है, चार्ल्स बैबेज, ये अपने फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये है सॉइल का पिता, ठीक है। तो इसने बात करी सबसे पहले, ठीक है। अब लगभग 1800 के आसपास की बात है, तो इसने काम खराब कर दिया। अब इसने काम तो खराब कर दिया, उसके बाद अपने जुड़ गया सिलेबस में, तो अब पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन हुआ कैसे, सॉइल का कैसे बनी, या सॉइल होती क्या। तो सबसे पहले क्या होती, ओरिजिन बाद में चले जाएंगे। देखो तीन अलग अलग तरह के लोग बात करेंगे, मान लो कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट है या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, एक मान लो जियोलॉजिस्ट है, जो जियोलॉजी आपने पढ़ी है वो है, कोई पहले पढ़ी होगी थर्ड सेम वगैरह में, कोई जियोलॉजिस्ट है, और एक है अपना सिविल इंजीनियर। अब अगर इन तीनों को खड़ा कर दिया जाए एक ही लाइन में और इनको कोई सॉइल का सैंपल दे दिया जाए, बोलते इसके बारे में बताओ ये क्या है, तो अपना एग्रीकल्चर इंजीनियर या साइंटिस्ट क्या बोलेगा, उसको तो क्या चीज दिखेगी, सॉइल के बारे में क्या बोलेगा,
मीडिया टू ग्रो प्लांट्स, ऐसा साधन जिसकी वजह से वो वहां पर पेड़ पौधे उगा सकता है, उसको उससे अलावा कोई लेना देना ही नहीं। मीडिया टू ग्रो प्लांट्स, भाई एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी, तो डेफिनेशन भी खेती बाड़ी के रेस्पेक्ट में देगा, ठीक। उसके बाद जियोलॉजिस्ट, अब जियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, अर्थ की स्टडी करना। अब अर्थ की स्टडी करने का मतलब क्या है, तो वो क्या बोलेगा, लूज अपर मेंटल, क्या बोलेगा, लूज अपर मेंटल, ठीक है, लूज अपर मेंटल बोल दिया उसने विथ इनर कोर। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, छोड़ो उसको, कोई बार बार लिखने दे दो, तो ये सारी चीजें आपने जियोलॉजी में पढ़ रखी। लेकिन सिविल इंजीनियर आ जाएगा, तो सिविल इंजीनियर के लिए क्या हो जाएगा, वही सॉइल क्या हो जाएगी, लूज फ्रेगमेंट्स, क्या हो जाएगा, लूज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़े होता है, लेकिन स्मॉल का मतलब छोटे, ऑफ रॉक, लूज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स, कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सिविल इंजीनियर क्या बोलेगा, लूज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, ये बोल रहा है कि कोई रॉक है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, मान लो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनके अंदर मिनरल्स हो और ऑर्गेनिक मैटर ना हो, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कार्बन एब्सेंट हो, सी एब्सेंट हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो ये तो हो गई अपने डेफिनेशन की बात, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन एक चीज अपने को यहां से समझ में आई, जो चीज मैं यहां बताना चाहता था, कि लूज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, यानी कि रॉक तो अपने कहीं ना कहीं आएगा, तो अब अपने को फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, मतलब रॉक से हो रहा है, तो इसके लिए अपने को रॉक पढ़ना है। रॉक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जियोलॉजी में, जियोलॉजिस्ट ने अपन को रॉक के बारे में सारी डेफिनेशन दी। तो अब रॉक्स कैसे बनते हैं, एक बार बेसिक चीज पढ़ लेते हैं वापस से, कि रॉक्स बना कैसे, क्या सब सिस्टम हुआ, ठीक है। तो ये कार्ल टेंजा के बारे में पूछा जा चुका है, उसकी किताब के बारे में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आजकल तो चलो नहीं आता, लेकिन पहले क्वेश्चन आ चुके हैं दो तीन बार, इन दोनों के बारे में कौन सी किताब लिखी, ठीक है, और कौन है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो वो सब है। अब एक चीज आपको पता है कि वोल्केनो ज्वालामुखी, उसका अगर इरप्शन होता है, तो मान लो ये कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अब यहां से कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ अपने ऐसे, ठीक है, या तो अगर लावा बाहर, अगर मैग्मा बाहर आ गया, तो हम अपने यहाँ कुछ रॉक बन जाएंगे, जब सॉलिडिफिकेशन हुआ, कूलिंग होगा, तो यहाँ पे कोई रॉक बनेगा, मान लो क्या बन गया, बैसाल्ट रॉक, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। अगर वो बाहर ना आके अंदर ही अंदर यहीं कहीं ठंडा हो गया, यहाँ पर ही मामला उसका ठंडा हो गया, यानी कि अगर आपको गुस्सा आया, आपने किसी भी भड़ास नहीं निकाली, तो भड़ास जब अंदर रह जाती तो बनता है ग्रेनाइट, ठीक है, लेकिन अगर भड़ास आपकी बाहर निकल गई, तो मान लो आपका क्या बन गया, बैसाल्ट, यानी कि गुस्सा निकाल दिया, आप ठंडे हो गए, लेकिन जब तक आपके अंदर गुस्सा है, तो आप ज्यादा मजबूत रहोगे, अंदर तक से गुस्सा हो तो किसी से बदला लोगे तो ज्यादा मजबूत फिसलोगे, तो ग्रेनाइट क्या होता है, हार्ड रॉक होता है इस कंपैरिजन टू बैसाल्ट, ये तो हो गई मजाक की बात। लेकिन मैं जो यहाँ बताना चाह रहा था कि भाई ये जो रॉक, ये वोल्केनिक इरप्शन से कोई भी रॉक बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। वोल्केनिक इरप्शन से जो भी रॉक्स बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। तो रॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट वहीं से हुआ, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर से वोल्केनो बाहर आया, ग्राउंड पे आया, तो कूल हुआ, ठंडा हुआ, उसको सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, पहले लिक्विड फॉर्म होता है, तो कुछ रॉक्स बन गए। अब ये रॉक्स बने हुए कहीं पर, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, हवा भी चल रही है, वहां पे लोग भी आ जा रहे हैं, कैटल का भी मूवमेंट है, इनकी पशु पक्षियों का भी मूवमेंट है, और पानी वगैरह का भी वहां पे मूवमेंट है। तो अगर इन सब मूवमेंट के कारण क्या होगा, कि जब भी आप चलते हो जमीन पे, एक चीज तो तय है, दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर भले मेरे जैसा हो, लेकिन उनके पांव इतने भारी होते हैं कि वो उठा नहीं सकते, रगड़ रगड़ के चलते हैं। अब जो ऐसे रगड़ रगड़ के पांव चलते हैं, तो उससे दो चीज घिसती है, एक तो चप्पल घिसती, लेकिन दूसरा साथ में वो जिस चीज को रगड़ कर रहे हैं, तो उस पर भी वो भी घिसेगी, तो चाहे वो रॉक हो या चाहे कुछ और घिसता। अब जब वो चीज घिसेगी, तो टूट फूट होगी उसमें, उस टूट फूट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग। उसी टूट फूट को क्या बोलते हैं, वेदरिंग, यानी कि टूट फूट, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं क्षय होना। तो क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, टूट फूट हो रहा है। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो घिस के पांव चप्पल घिस के चलते हैं, या तो वो हो गए, या दूसरे वाले भी, जब भी लोग कोई भी होगा जो पांव उठा के चलने का, तब भी वेदरिंग होगी, लेकिन उस टाइम कम होगी। अब पशु पक्षी है, उनके पांव से वेदरिंग होती है, हवा से भी होती है वेदरिंग। अब हवा से कैसे होती है, आप लोग गाड़ी चलाते हो रोड पे, तो कभी मान लो कंकड़ पत्थर आए आपकी आंखों में टकराए,
तो वो कंकड़ पत्थर आपके आंखों में टकरा, इसका मतलब हवा में कुछ कंकड़ पत्थर है, वो हवा में इतनी कैपेसिटी है वो कंकड़ पत्थर को अपने साथ उड़ा के ले जाए। तो अगर वही कंकड़ पत्थर किसी दूसरे कंकड़ पत्थर से टकराएंगे तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो कोई ना कोई एक तो टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा तो छोटा थोड़ा बहुत पाउडर फॉर्म भी उसका बाहर निकलेगा, ठीक। तो उससे भी क्या हो रहा है, अपने वेदरिंग हो रहा है। तो वेदरिंग किसी भी कारण से हो सकता है, ये तो क्या फिजिकल फोर्स, अगर पानी इसके साथ रिएक्शन हो गया है, कोई केमिकल हो गया या कोई एसिड हो गया उसके साथ रिएक्शन होकर भी बन सकता है। यानी कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दो तरह की, क्या हो गया, फिजिकल फोर्सेस और केमिकल फोर्सेस की वजह से दो तरह की अपने वेदरिंग हो सकती है। अब अगर फिजिकल फोर्सेस के कारण वेदरिंग हुई तो क्या होगा, एक चीज आपको पता है, जैसे मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं तोड़ दूं यहीं पे जैसा कि है उसको मैं तोड़ दिया, तो क्या वो मार्कर में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ शेप चेंज होगा, लेकिन जो उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स है, जो मटेरियल है, वो तो वही के वही रहेगा, उसमें उसका केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जैसा वो है, मतलब पहले जो पेरेंट रॉक है, मान लो यहाँ पे क्या बन गया, ये जो रॉक था ये क्या है, मान लो पेरेंट रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वेदरिंग हुआ, वेदरिंग का मतलब वही डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट फूट या डीकम्पोजिशन हुआ, डीकम्पोजिशन, तो क्या बना, नई सॉइल बनी। अब इस सॉइल को मैं ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ये अपने हो गए सॉइल। अब ये जो पेरेंट रॉक है, अगर इस सॉइल की प्रॉपर्टीज सेम है पेरेंट रॉक से, तो किसकी वजह से हो रहा है, फिजिकल वेदरिंग, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज एस पेरेंट रॉक, तो उसको तो मैं बोलूंगा फिजिकल वेदरिंग से हुआ है, ठीक है। और अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये हमको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पेरेंट और जो प्रोडक्ट होता है दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, सेम तो कभी रहता ही नहीं, 100% की बात नहीं करूं, 99% तो चेंज होता है। अब 1.01% क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री की एक ही लाइन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा रहते हैं, तो अपवाद के कारण हो सकता है 0.1% कभी उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाता है। यानी कि प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट रॉक, तो केमिकल वेदरिंग से बन गया हो पेरेंट रॉक, ठीक है। अब ये चीज हो गई, दो कारण अपने को पता चल गए, फिजिकल और केमिकल। अब ये किसके वजह से, इग्नेस रॉक के, तो ये सब चीजें इनसे क्या बनता है, आगे जाके रॉक बनता है। अब फिजिकल वेदरिंग जब भी होती है, फिजिकल वेदरिंग जब भी होती है तब पार्टिकल की जो साइज रहती है वो क्या रहती है, कोर्स, कोर्स साइज रहती है, कोर्स ग्रेन, इसकी वजह से, और केमिकल की वजह से क्या रहता है, फाइन। अब फाइन और कोर्स का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की साइज होगी, अगर फिजिकल वेदरिंग हो रही है तो पार्टिकल साइज बड़ी होगी, केमिकल वेदरिंग हो रही है तो पार्टिकल साइज क्या होगी, फाइन होगी। अब हर एक सॉइल के रेस्पेक्ट में वो फाइन अलग अलग हो सकता है, मतलब इन दोनों के आपस में रिलेशन की बात हो रही, एग्जैक्टली क्या साइज है उसकी बात नहीं हो रही, इन दोनों आपस की रिलेशन की बात हो रही, ठीक है। अब ऐसा कुछ बनेगा, फिजिकल वेदरिंग से अलग तरह की सॉइल बनेगी, केमिकल वेदरिंग से अलग तरह की सॉइल बनेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल, सीजीएस और एफजीएस। तो यहां से आपको ये दो वर्ड याद रखने, सीजीएस का मतलब क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, और एफजीएस का मतलब होता है फाइन ग्रेन सॉइल। सीजीएस कब बनती है, जब फिजिकल वेदरिंग होती है, और केमिकल वेदरिंग से क्या बनता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए बताया हमने, इतनी रामायण इसलिए करी कि ये सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई फिजिकल वेदरिंग होगी तो कैसी प्रॉपर्टीज रहेगी, केमिकल वेदरिंग होगी तो कैसी प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग के कारण क्या हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, एयर और विंड तो एक ही चीज हो गया, किसी भी चीज का वहां से मूवमेंट हो गया, चाहे मैन हो, ह्यूमन बीइंग हो, कैटल हो, कोई भी हो। केमिकल वेदरिंग क्या हो गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, किसी की प्रेजेंस में हो सकता है, चाहे पानी हो, केमिकल हो, चाहे एसिड हो, तो दोनों से अपने यहाँ वेदरिंग हो गया, ठीक है। अब देखो रॉक अपने सॉइल बन गई, अब ये जो सॉइल बनी ये एक तरह का हो गया, अब इसकी कभी कभी पूछ लेते जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, इनकी जो बेसिक पेरेंट रॉक है सभी सॉइल का वो कौन होगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, अपने सभी का क्या है, पेरेंट रॉक। अब पूछ लेते हैं भाई जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, अब यहाँ पर आ गया ना जियोलॉजी वर्ड, ठीक। अब जियोलॉजिकल साइकिल के लिए अपने को एक सिंपल सी चीज, अब भाई आपने अभी क्या देखा कि रॉक था, रॉक में सबसे पहले क्या हो, वेदरिंग, वेदरिंग हुई कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन या वेदरिंग, इरोजन या वेदरिंग। अब इरोजन या वेदरिंग होने के बाद क्या होगा कि या तो क्या होगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, सॉइल बनी वहीं पे पड़ी रहेगी, या फिर क्या हुआ, हवा के साथ या पानी के साथ वहां से बह के चली गई, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, तो वहां से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब वहां से ट्रांसपोर्टेशन हुआ
अब भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह जाके कहीं तो बैठोगे, क्यों खड़े रहोगे, वहीं से भी चलते ही रहोगे, कहीं रुकोगे नहीं। तो जहां पर रुकी वहां पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन। अब रुक गए तो वापस खड़े भी हो गए, यानी कि अब हिवल उठान हुआ, अब हिवल। अब जब एक बार आप हिवल हो गया तो वापस आपका इरोजन। तो ये है जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या होगा अपना, ETDU। सबसे पहले क्या होगा, इरोजन या वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन, उसके बाद अपहिवल। क्या हुआ कि भाई रॉक है, रॉक पड़ा है तो उसके फिजिकल या केमिकल फोर्सेस की वजह से उसमें वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद कुछ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जैसे कि हवा, पानी या कोई आदमी के चलने की वजह से भी कंकड़ पत्थर इधर उधर होते हैं, गाड़ी के मूवमेंट की वजह से हो गए, किसी और कारण से वहां से पंखा चला दिया किसी ने, तब भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो पार्टिकल वहां से दूर चले गए। अब एक बार पार्टिकल दूर चले गए तो वो जाके कहीं ना कहीं तो जमा होंगे। अब वो जमा कैसे होते हैं कि एक लेयर आई, उसके बाद दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, चार लेयर आई, ऐसे करके नंबर ऑफ लेयर्स डिपॉजिट होती जाती। मान लो पहले ये लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर फिर डिपोजिशन हो गया, फिर डिपोजिशन हो गया, फिर तो ये जो सबसे पहले वाली लेयर है इसके ऊपर तो भार बढ़ता जा रहा है ना लगातार, जो सबसे नीचे वाली लेयर है इस पे लगातार भार बढ़ता जा रहा है। और जब भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी भी जब भी भार बढ़ता जाता है किसी चीज में, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। जैसे कि मान लो आपने कोई किताब एक रखी, सेल्फ में किताब रखी, उस सेल्फ में किताब के ऊपर आपने एक और किताब रखी, तो अब क्या नीचे वाली किताब के पन्ने उड़ेंगे? नहीं। और अगर ऊपर वाली के ऊपर आपने एक और किताब रख दी, अब उसके भी नहीं उड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गए, बहुत पास मारे। अगर ऐसा ही कई सालों तक रहेगा तो पन्ने लगभग आपको ऐसा महसूस होगा कि चिपक गए। तो यहाँ पे क्या होता है, सालों लग जाते हैं। क्या हो गया, सालों में नंबर ऑफ इयर्स हो गए, मान लो 100 साल 1000 साल। तो पहली लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे डिपोजिशन होता रहा। जैसे जैसे डिपोजिशन होता रहा तो क्या होगा, लेयर्स नीचे वाली लेयर क्या होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। जैसे वॉल्यूम रिड्यूस होने का मतलब क्या, पार्टिकल पास पास में आए, पार्टिकल्स पास पास में आए तो उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी। बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होगा, बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होगा, वो एक दूसरे के पार्टिकल को आप जाने नहीं देंगे। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो पार्टिकल वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक में। तो सॉइल वापस रॉक में कन्वर्ट होगी। क्या हो गया, सॉइल वापस रॉक में, किस में, यहाँ डिपोजिशन में, यहाँ पे आके वापस रॉक बन गया। अब ये रॉक बना, अब ये भाई साहब रॉक बन गया। अब रॉक बनने के बाद कौन सा, अभी नीचे वाली लेयर बनी, ऊपर वाली नहीं बनी। अब ये रॉक बना तो किसी कारण से, मान लो ये दोनों तीनों लेयर यहाँ से वापस उड़ गई, वहां से वापस उड़ गई। अब कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने इतने ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बन रहे बताए, इनमें से किसी भी कारण से वहां से सॉइल उड़ गई। अब उड़ गई तो ये लेयर वापस एक्सपोज हो गई टू द एनवायरमेंट। अब ये एक्सपोज हुई है तो ये क्या ऊपर आ गई। अब जब भी एक्सपोज होगा उसके ऊपर से जो लोड था वो हट गया। अब जो लोड हट जाएगा तो थोड़ा आप आदमी के ऊपर से लोड हट जाता है, आप 50 किलो बाहर लेके 1 घंटे तक चल रहे हो, जैसे आपने 1 घंटे बाद वो बाहर रखा तो आप रिलैक्स महसूस करोगे, ऐसे फैल जाओगे थोड़ा बहुत। वो जो फैलना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपहिवल। तो जैसे इसने रिलैक्स महसूस किया, अपहिवल हो गया। अपहिवल होते क्या हो गया कि वापस से जो दूसरे जो एनवायरमेंटल फोर्सेस वो बोले ज्यादा फैल रहे तो ज्यादा होशियारी आ रही तेरे को, तेरे को वापस तोड़ फोड़ देते हैं, तो वापस तोड़ फोड़ देंगे। तो ये तोड़ फोड़ चलता रहता, तो ये प्रोसेस चलता रहता। तो कंफ्यूजन ये होता है कि लोगों को साइकिल तो पता होती है लेकिन ये पता नहीं होता कि स्टार्ट कहां से होती है। कई लोग क्या कर देते हैं इसका UETD कर देते हैं। तो UETD ना होके वो क्या है, EETDU, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सबसे एंड में रखना है। ईटी मनी ऐप आती है आजकल, कईयों को पता होगा, डीयू क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ETDU आपको याद रखना, पैसा होगा तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज है जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो डिपोजिशन हुआ उसमें क्या रॉक, कौन सा रॉक बना, सेडिमेंटरी रॉक, यानी कि रॉक से सॉइल बना और सॉइल से वापस रॉक बना। अब सेडिमेंटरी रॉक बना, सेडिमेंटरी रॉक हमको जियोलॉजी में पढ़ा है कि लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से जो रॉक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक। अब इस सेडिमेंटरी रॉक बनने के बाद मान लो सेडिमेंटरी या इग्नियस रॉक में कोई ना कोई मेटामॉर्फिक चेंज, यानी कि कोई भी चेंज हो, किसकी वजह से, हाई प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से मान लो कोई चेंज हुआ, उस चेंज के बाद जो नया रॉक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो रॉक भी हो गए अपने अपने तीन तरह, तो ये चीज बता दी, ठीक है। तो तीन तरह के रॉक हो गए। सबसे पहले कौन सा रॉक आया एग्जिस्टेंस में, वो आया इग्नियस रॉक, उसके बाद आया सेडिमेंटरी, उसके बाद बना मेटामॉर्फिक। तो इससे हमको ये भी पता चल गया कि भाई सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है। अब यहां से हमने इतनी चीजें सीख ली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब भाई फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग पढ़ लिए, फॉर्मेशन पढ़ लिए। अब क्या होता है कि सॉइल भी दो तरह की होती है, एक होती है आलसी, ठीक है, और एक होती है
जो क्या होता है इधर उधर घूमती रहती है। अब आलसी कैसे होगी कि उसको जहां से बनी क्या हुआ जैसे बनी टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करूंगा टाइप्स ऑफ ठीक है। एक हो गई आलसी और दूसरी हो गई चलने वाली। तो आलसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल, आलसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। जो दूसरी वाली है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ये रेजिडुअल सॉइल का क्या मतलब है, जैसे जिस जगह पे सॉइल बनी वो सॉइल वहीं पे पड़ी रही, उसको कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। मान लो हवा पानी किसी के साथ वो कहीं वहां से गई नहीं, वहीं के वहीं रहे। अगर वहीं के वहीं रहेगी जहां से मतलब जैसे कि आप जहां पैदा हुए आप उसी शहर में जिंदगी बिता दी आपने, तो आप क्या बोल आपको वहां से क्या माना जाता है रेजिडेंट, ठीक है रेजिडेंट माना जाता है कि उसी प्रकार ये रेजिडेंट क्या है यहाँ पे रेजिडुअल सॉइल ठीक है। और जो बाहर चले जाते हैं इंडिया से उनको क्या बोलते हैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो वहां पे वो क्या किसकी हेल्प से गए ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। जो अपनी जगह पे ही पड़ी रही आलसी वो हो गई रेजिडुअल, और जो बाहर चली गई दूसरे तो नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या हो गया ट्रांसपोर्टेड, यानी कि जो चला गया ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इधर उधर बाहर चला गया ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ एक छोटा सा पहाड़ बनाते हैं अपन। पहाड़ कैसे बनाएंगे, ये लो ये मैंने पहाड़ बना दिया। यहाँ पर कोई बड़ा सा पत्थर था पहले रॉक था ठीक है। अब ये रॉक क्या हुआ टूट फूट हुई वेदरिंग हुई ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बना इसको क्या नाम दे दिया अपन ने सॉइल। अब इसको मैं बोलता हूँ ये जो पहाड़ बना रहा हूँ इसको मैंने नाम दे दिया नॉमन क्लेचर। अब नॉमन क्लेचर ऑफ सॉइल हो गया मतलब मैं सॉइल के अलग अलग नाम दूंगा ठीक है। अब ये जो सॉइल है मान लो ये सिर्फ और सिर्फ हवा के साथ गई, हवा पहली बार हवा ने उड़ाया इसको, दूसरी बार भी हवा ने, मान लो तीसरी बार और उड़ी तब भी हवा ने, फिर जाके कहीं जाके इसका मन भर गया अब और उड़ने की इच्छा नहीं है उड़ान भरने की इच्छा नहीं, तो ये कहीं पर डिपॉजिट हो गई। तो जहां पर ये डिपॉजिट हुई वहां पर इसको क्या बोलेंगे एवलेंज सॉइल। सिर्फ और सिर्फ अगर विंड या एयर के साथ ही इसका मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एवलेंज सॉइल। ये सब बहुत काम की चीजें बेटा, कई बार सवाल आता है इस पर है ना पूछ लेते हैं कि क्या होता है एवलेंज सॉइल क्या होता है, तो द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज नोन एज एवलेंज सॉइल ठीक है। और ये जो यहाँ पे रह गई थी वो गई रेजिडुअल ठीक है। अब मान लो यही सॉइल यहाँ से हवा में उड़ी फिर ये चली गई पानी में, फिर पानी इसको बहा के अपने साथ में ले जाके उसने क्या कर दिया उसको डिपॉजिट कर दिया। तो जहां पर ये डिपॉजिट हुई वहां पर इसको नाम दे देंगे अपन एलुवियल सॉइल। क्या नाम दे देंगे एलुवियल सॉइल ठीक है। अब भाई साहब किस ये पानी लेकिन कौन सा था रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मतलब चलता फिरता पानी है ना, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। रनिंग वाटर कौन सा हो गया अपने नदी नाला वाला रिवर स्ट्रीम वगैरह जो हो गया तो उनको हम लोग बोलेंगे रनिंग वाटर ठीक है। उसके अलावा अगर ये भाई साहब एयर के साथ जाके किसी लेक में डिपॉजिट हो गए यानी कि पानी में तो हुए लेकिन कौन सा स्टिल वाटर यानी कि लेक वगैरह में इसको लिख देते हैं लेक पॉन्ड एक्सेट्रा, तो इस सॉइल को हम लोग बोलेंगे लैकेस्ट्राइन सॉइल L4 lake, L4 lacustrine ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं lacustrine सॉइल ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया। इसके बाद मान लो यही सॉइल अपने हवा में आई, हवा में आने के बाद ये पानी में गई लेकिन इस बार पानी कौन सा था समुद्र में चली गई, तो जो समुद्र में डिपॉजिट होगी उस सॉइल को नाम बोलेंगे मरीन सॉइल। क्या बोलेंगे मरीन सॉइल। अपने पता अपन मरीन ड्राइव नाम सुना है तो उससे याद रह जाएगा कि समुद्र में जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको मरीन सॉइल बोलते हैं। लेकिन अब एक ये तो खाली दो एजेंट हुए, तीसरा एजेंट अभी एक और एजेंट बाकी। मान लो ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के एक तरफ इधर क्या है सिर्फ आइस ओनली आइस यानी कि ग्लेशियर्स है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ग्लेशियर्स ठीक है। तो ये सॉइल यहां से आई हवा में, हवा में आने के बाद यहाँ ग्लेशियर्स में डिपॉजिट हो गए, तो इसको सॉइल को बोलेंगे हम लोग टिल मूविंग और टिल मूविंग और ड्रिफ्ट। जो सॉइल ग्लेशियर्स की हेल्प से डिपॉजिट हो या ग्लेशियर्स के अंदर डिपॉजिट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टिल मूविंग या ड्रिफ्ट डिपॉजिट या सॉइल ठीक है। तो जनरली इसके पीछे डिपॉजिट्स होते हैं तो पूछ लेते हैं टिल सॉइल या टिल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। अब फिर एक और बच गई, ये जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर आ रही है ये सॉइल है ना, ये ग्रेविटी के अंदर आ रही है यहाँ के यहाँ डिपॉजिट हो गई। कहाँ पे ये क्या है फुट ऑफ द हिल में, कहाँ डिपॉजिट हो गई फुट ऑफ हिल में, किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ठीक है। कुछ तो मान रहे कुछ ये ग्रेविटी की वजह से आ गई नीचे बह के गुड़कते गुड़कते गोल गोल घूमते घूमते
ये आगे फुट ऑफ द हिल में, इस सॉइल को हम लोग बोलेंगे टेलस या कोलुवियल, कोलुवियल सॉइल। अब लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलुवियल में और कोलुवियल सॉइल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये किसके है, ग्रेविटी वाली अंडर फुट ऑफ द हिल में जो जमा हो रही वो किसमें है, अंडर ग्रेविटी। तो ये नॉर्मल क्लेचर मैंने आपको बता दिया, अगर ग्रेविटी के हेल्प से कोई सॉइल डिपॉजिट हो रही है तो टेलस या कोलुवियल, अगर एयर के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ हवा में है तो एओलिन, अगर पानी रनिंग वाटर की वजह से डिपॉजिट हो रही है एलुवियल इनकी नदियों के किनारे, इतनी नदियां तो उधर सब ये सबसे अच्छी सॉइल होती है एज पर खेती बाड़ी, ठीक है। अब अगर वाटर वगैरह स्टिल वाटर लेक वगैरह में तो लैकेस्टाइन सॉइल, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। अगर समुद्र में जा रही है तो मरीन सॉइल, इसमें कैल्शियम अच्छा होता है। ग्लेशियर्स में जा रही है कुछ नहीं होता, कुछ काम की नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेल मोमेंट या ड्रिफ्ट। और फुट ऑफ द हिल में जो जाएगा उसको बोलेंगे टेलस या कोलुवियल सॉइल। एओलिन सॉइल से ही डेजर्ट्स बनते हैं, अपने क्या होते हैं ये डेजर्ट्स बनते हैं और ये बहुत ही ज्यादा लूज होती है, इनकी पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब इसके बाद ये तो हो गए कुछ नाम, इसके बाद अब मैं कुछ स्पेसिफिक नाम में जाऊंगा। स्पेसिफिक नाम यानी कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती, मतलब कैसे बनी, ठीक है। जैसे मान लो फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग, क्या काम होता है, क्या प्रॉपर्टीज, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये कुछ बेसिक सॉइल्स कौन सी होगी, वो सॉइल अपने हो गए, मान लो आपने वर्ड सुना होगा बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का मत को हम लोग ड्रिलिंग मड भी बोलते हैं, ड्रिलिंग मड। अब इसका काम क्या होता है, जबकि कहीं पे आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल वगैरह या कहीं पे कोई एक्सकेवेशन का काम होता है तो उस पे मशीन के आसपास हम लोग क्या होता है, मिट्टी का स्प्रे करते हैं, मिट्टी का स्प्रे करते हैं। अब वो मिट्टी का स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। अब बेंटोनाइट का स्प्रे होता है क्यों, क्योंकि बेंटोनाइट बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी फाइन सॉइल होती है, तो इससे क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है, वेरी 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 फाइन सॉइल बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, वेरी फाइन सॉइल। लेकिन इसमें वेरी फाइन होने की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पापा ने कभी पैसे दिए, पैसे लेते आप फलने फूलने लग जाते हो, अब जाओगे दोस्तों के सामने डींगे आओगे फूल फूल के फैल फैल के बोले आज पैसे पैसे चलो पार्टी है। तो वैसी अगर इस सॉइल को पानी मिल जाए, इसके लिए पानी ही पैसा है, पानी मिल गया तो फूल गया, पानी कम हो गया तो वापस सिकुड़ गया, भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये ऐसा हो जाता भाई मेरे पास तो पानी नहीं है, तो इसमें क्या होती है हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉब्लम। अब ये किसकी वजह से बनती है, अपने केमिकल वेदरिंग, CW मतलब क्लास वर्क नहीं है या केमिकल वेदरिंग से ये सॉइल बनी। अब इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है, क्ले मिनरल होता है, वो होता है मोंटमोरिलोनाइट। ये भी हम लोग क्ले मिनरलॉजी में पढ़ेंगे कि क्ले मिनरलॉजी और सॉइल स्ट्रक्चर वो हमारे प्रॉपर्टीज में ही है, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मैंने उसको इसलिए अलग से नहीं लिखा था। तो वो किसमें है, कोई मिनरल पाया जाता है क्ले मिनरल, ये मोंटमोरिलोनाइट। अभी मोंटमोरिलोनाइट क्या होता है ये हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे। इसके बाद आती है ब्लैक कॉटन सॉइल, शॉर्ट में लिखा हूँ ब्लैक कॉटन सॉइल। अब इसको कॉटन वर्ड बीच में जो है होती काले कलर की और ये थोड़ी ब्राउन कलर की होती है। अब कॉटन नाम क्यों ले रहा हूँ मैं बीच में, कॉटन का मतलब क्या हो गया, इसमें रुई बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी मात्रा में होती है, ये भी फाइन सॉइल होती है, ये वेरी फाइन सॉइल है, वो वेरी वेरी फाइन सॉइल है, ये वेरी फाइन सॉइल है। अब ये बनती है फिजिकल वेदरिंग से, बाकी इसमें सेम प्रॉपर्टी होती है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इसमें भी मोंटमोरिलोनाइट मिनरल होता है, ठीक है। बोलोगे सर वो तो केमिकल वेदरिंग से बनी, ये फिजिकल वेदरिंग से, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद एक आती है ह्यूमस, एक आती है मक, अब एक आती है पीट, एक आती है माल। अब एक सोच के देखो, ये लगभग सब एक जैसी है। जो ह्यूमस सॉइल होती है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कार्बन कंटेंट अच्छा खासा होता है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल प्लस इसमें क्या होता है वेजिटेबल डीके, वेजिटेबल डीके, वेजिटेबल डीके का मतलब क्या होता है पेड़ पत्तियां फूल पौधे इनका क्या होता है यहाँ पे डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉइल है, वेजिटेबल डीके है, ये बनता है केमिकल वेदरिंग से। इसके बाद देखो मक, मक में क्या होता है, मक और इसमें डिफरेंस इसी का है,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ये हो गया इनऑर्गेनिक, बाकी सब चीजें सेम है, बस ये बन गया अपने फिजिकल वेदरिंग से, ठीक है। सॉरी फिजिकल क्या, ये भी केमिकल से बनता है, क्या इधर वाला फ्लो बना दिया कि एक फिजिकल एक केमिकल, ये भी केमिकल से ही बनता है, ठीक है। और मर्क क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल प्लस वेजिटेबल लीक है, और ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल प्लस वेजिटेबल लीक है, दोनों केमिकल वेदरिंग से बनता है। पीट ये होती है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, क्या होता है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, इसमें क्या होता है स्मेल आती है, बहुत ज्यादा वेजिटेबल लीक होता है, मतलब हाईली ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब है वेरी हाई वेजिटेबल लीक है, वेरी हाई वेजिटेबल लीक है, इनकी पेड़ पत्ती फूल पौधे इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जैसे ही इस पे कोई लोड वगैरह लगेंगे फटाफट सेटल हो जाएगी, दब जाएगी पूरी सॉइल, ये क्या होता है पूरी सॉइल दब जाती है। अब जो सॉइल पूरी दब जाएगी वो अपने किसी काम की नहीं, अपने सिविल इंजीनियर है तो अपने किसी काम की नहीं, ये भी बनती है केमिकल वेदरिंग से, ठीक है। इसके बाद आता है मर्ल, अब देखो इसमें वर्ड आ रहा है मर्ल, मर्ल का मतलब है कि जो सॉइल आपके मरने के बाद, आपके मरने के बाद आप जिस सॉइल में कन्वर्ट हो गए उसको मार्ल बोलेंगे। अब आप मरे तो आपके आपके ऐसी कौन सी चीजें जो सॉइल में कन्वर्ट होगी, हड्डियां, आप मतलब मैं, आप इन ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स की बात हो रही है, आप पर्टिकुलरली आपकी बारे बात नहीं कर रहे, तो जो पीछे होती है हड्डियां, हड्डियों में बोन्स, बोन्स में अपने क्या होता है कैल्शियम की प्रचुर मात्रा, इनकी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है तो कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं मार्ल। यही कहा जमेगी ज्यादातर या तो समुद्र के नीचे, क्योंकि समुद्र में जितने भी मछलियां हैं जो भी समुद्री जीव बड़े बड़े वो क्या होते हैं मरने के बाद वहीं के वहीं पड़े रहते हैं तो नीचे जाके डिपोजिट हो जाते हैं, तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं मार्ल, क्या हो गया जिसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा हो, किसी भी डेड बॉडी से बनता है, क्या डेड बॉडी के बाद, डेड बॉडी से जो बनता हो, डेड बॉडी इनकी अपनी है ना, ह्यूमन बींग्स पशु पक्षी, इसमें पेड़ मत लेके आना भाई, पेड़ लिविंग बींग्स होते हैं पर उनकी डेड बॉडी से नहीं बनता, उनसे ये बनते हैं ये तीन भाई साहब, ठीक है। और ये अपने बच गया जो, उसके बाद आता है गम्बो, गम्बो ये होता है हाईली प्लास्टिक में, ये होता है गम्बो, ये होता है हाईली प्लास्टिक क्ले, ठीक है। अब सोच के देखो ये किससे बनेगा, हाईली प्लास्टिक क्ले है, ये भी अपने किससे बनता है केमिकल, सॉरी ये बनता है अपने फिजिकल वेदरिंग से, हाईली प्लास्टिक क्ले फिजिकल वेदरिंग, अभी तक सब केमिकल वेदरिंग से थे ये लगातार चार, उसके बाद अब ये आ गया हाईली प्लास्टिक क्ले, ठीक है, होता है इस ये फिजिकल वेदरिंग से बनता है। अब हाईली प्लास्टिक का मतलब और क्ले का मतलब, क्ले क्या होता है जनरली जो सॉइल होती है अगर उसको साइज के हिसाब से हम लोग बांटे, इनकी साइज के हिसाब से बांटे तो ग्रेवल सबसे बड़ा, फिर सैंड, फिर सिल्ट, ये सब मैं समझाऊंगा, फिर क्ले, ये नॉर्मल क्लेचर है बस चार नाम है और कुछ नहीं, इसके हिसाब से साइज के हिसाब से जिसमें ग्रेवल सबसे बड़ा, फिर सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन नहीं पढ़ रखा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब क्लासिफिकेशन पढ़ेगा अपन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो ये फिजिकल वेदरिंग से बन गया। अब प्लास्टिक क्ले है, क्ले में श्रिंकेज स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी तो होती ही है। अब क्ले जो सॉइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव सॉइल, क्या बोलते हैं, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत होता है, आसपास कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है तो थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो हम लोग क्ले को क्या बोलते हैं कोहेसिव सॉइल। अभी कोहेसिव सॉइल क्या होती है, दो चीज सुनी होगी आपने, कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेसिव और एडहेसिव वर्ड सुनेंगे, एडहेसिव मतलब जो किसी और से चिपके और कोहेसिव जो अपने आप से चिपके, अपने आप से मतलब जो सेम तरह के हो, यानी कि जैसे कि अपना जो गम है, गम क्या करता है, गम क्या आपस में चिपकता है, गम या फेविकॉल जो है आपस में कभी नहीं चिपकता, वो क्या करते हैं हमेशा दूसरों को चिपकाते हैं, मतलब दीवार पे चिपका देंगे, पेपर चिपका देंगे, लकड़ी चिपका देंगे, लेकिन खुद कभी नहीं चिपकेंगे, आप अगर खुद गम चिपकता है फेविकॉल तो अपने कभी काम ही नहीं आता, वो अपने काम का ही नहीं आता, लेकिन अगर वो किसी और से चिपकता है तो उसको बोलते हैं एडहेसिव, और अगर सेम जैसे लोहा लोहे से चिपके, लकड़ी लकड़ी से चिपके तो उसको बोलते हैं कोहेसिव, लेकिन अगर लोहा लकड़ी से चिपक रहा है तो वो हो गया अपना एडहेसिव, तो कोहेसिव मतलब सेम टाइप, एडहेसिव मतलब डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो क्ले में एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो होती है गम्बो ये भी क्या होती है कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद अपने आता है, एक आता है काओलाइन, एक आता है लिगनीट, एक आता है अपने लोम, ये आप लोग साथ साथ लिखते रहे, नोट्स के भरोसे ना रहे क्योंकि इतने ज्यादा नोट्स मेरे भी लेना बस की बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन वो
जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे होगा, लेकिन तब तक पढ़ने के लिए चाहिए ना, एक हो गया लेटर राइट, एक हो गया लोम, और एक अभी क्या नाम दिया था मैंने, काउलाइन, और एक हो गया अपने वार्ड। ठीक है, अब ये लेटराइट सॉइल क्या होता है, एक रेड सॉइल, रेड कलर की सॉइल होती है रेड सॉइल, इसकी वजह से एल्यूमिनियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये किससे बनेगा, ये भी अपने किससे बनेगा, फिजिकल या केमिकल से सोच के देखो, ये बनेगा केमिकल वर्जन। अब जैसी कुछ केमिकल्स के नाम आ जाते हैं ना, वो अपने आप केमिकल वर्जन, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये तो अपने आप केमिकल वर्जन से बनते हैं। फिर आता है लोम। अब मैंने तो बताया था, अगर सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले तीनों लगभग बराबर मात्रा में, क्या हो, ऑल इन इक्वल प्रोपोर्शन, लगभग है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तो जो सॉइल बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोम सॉइल। ठीक है, काओलाइन, काओलाइन क्या होता है, प्योर चाइना क्ले होती है, प्योर चाइना क्ले, जो चीनी मिट्टी बोलते हैं हम लोग, वो यही होता है प्योर चाइना क्ले। इसके अंदर ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर, ये भी केमिकल वर्जन से बनता है। ठीक है, और ये अपना, ये ऊपर वाला अपना फिजिकल से हो गया, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है वो फिजिकल से होता है। ठीक है, केमिकल वर्जन से। अब इसमें क्या होता है, काओलाइन में क्या होता है, काओलाइनेट मिनरल होता है, वो भी क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे, ये भी क्ले है। ठीक है, फिर अपना हो गया वारवर्ड सॉइल, अभी तुमको इतना ही याद रखना, वारवर्ड सॉइल क्या होता है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन, लेकिन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट लेयर सॉइल डिपोजिशन। ठीक है, मतलब कि एक आगे सैंड, फिर नीचे आगे सिल्ट, फिर वापस सैंड, फिर वापस सिल्ट, अगर ऐसा लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रहा सैंड और सिल्ट का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वारवर्ड सॉइल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वारवर्ड सॉइल। तो इसी के साथ अपना ये जो ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल था, ये खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो धन्यवाद, सभी धन्यवाद देने के लिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.